ये आपको वो सेमेस्टर में पेपर फिर था आपका है सीबीसी, ठीक है ना। आज सेक्शन हम 15 बताएंगे, सेक्शन 15, ठीक है ना। सेक्शन 15 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी सिविल सूट को शुरू करने के लिए, बात को संक्षिप्त करने के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले आप स्थान को निश्चित करेंगे कि कहाँ हम बात संक्षिप्त करेंगे, तो प्लेस ऑफ क्वीन इसको बोलते हैं, प्लेस ऑफ स्विंग, बात करने का स्थान, बात संस्थित करने का स्थान, ठीक है ना। ये सेक्शन 15 जो है वो सामान्यतया एक सिद्धांत प्रतिपादित करता है। वो सिद्धांत क्या क्या है कि कोई भी सूट जो है वो निम्नतम श्रेणी के सक्षम न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। न्यूनतम क्या, न्यूनतम और सक्षम श्रेणी के न्यायालय में दाखिल होगा, एक सामान्य सिद्धांत है कि न्यूनतम जो सक्षम न्यायालय न्यूनतम श्रेणी का हो, और सक्षम न्यायालय मतलब उस विषय वस्तु से के संदर्भ में वो सक्षम हो। न्यायालय सक्षम कब होता है, वो किन आधारों पर सक्षम होता है, नंबर एक विषय वस्तु, विषय वस्तु के संदर्भ में सक्षम होना चाहिए न्यायालय, न्यूनतम न्यायालय होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका है आर्थिक आधार, आर्थिक आधार पर सक्षम होना चाहिए किसको, न्यायालय को। और तीसरा स्थानीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत सक्षम होना चाहिए। तो अगर आपको सूट फाइल करना है किसी सिविल कोर्ट में, तो पहला आप क्या करेंगे, स्थानीय क्षेत्र अधिकार के संदर्भ में सक्षम न्यायालय की खोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आर्थिक आधार पर देखेंगे कौन सा न्यायालय सक्षम न्यायालय, उसके बाद पर्टिकुलर विषय वस्तु के संदर्भ में देखेंगे कौन सा सक्षम न्यायालय। इसके बावजूद अब आप उसमें देखेंगे इस संदर्भ में कौन सा न्यायालय न्यूनतम श्रेणी का न्यायालय है, ठीक है ना। उसी में आप सूट शुरू करेंगे, सूट शुरू करना चाहिए, ठीक है ना। ये और अगर आप जो है न्यूनतम श्रेणी की कोर्ट में सूट नहीं दाखिल करते हैं, तो ये प्रक्रिया संबंधी जो है दोष माना जाएगा, क्या माना जाएगा, प्रक्रिया संबंधी दोष माना जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि केवल प्रक्रिया संबंधी दोष माना जाएगा, लेकिन अगर ये न्यायालय जो है इन सब मामलों में सक्षम नहीं है, ठीक है, उस न्यायालय जो है वो सक्षम न्यायालय नहीं है, और सूट जो है जहां आप दाखिल करेंगे उसके द्वारा जो भी निर्णय होगा, जो भी होगा आदेश, वो शून्य होगा, ठीक है ना। अगर उनको जुरिक्शन नहीं है, इसका जुरिक्शन नहीं है, विषय वस्तु से संबंधित जुरिक्शन नहीं है, आर्थिक आधार पर उनको जुरिक्शन नहीं है, स्थानीय अधिकार पर जुरिक्शन नहीं है, तो उनके द्वारा जो भी आदेश होगा, निर्णय होगा, वो क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। अगर अपर कोर्ट के द्वारा जो है कोई मुकदमा आपने दाखिल कर दिया है, तो उनका निर्णय शून्य नहीं होगा, जो प्रक्रियात्मक दोष के अंतर्गत होगा। जैसे अब न्यायालय कैसे होते हैं, जैसे सब भारत में सबसे जो है कौन न्यायालय होता है ऊंचा, उच्चतम न्यायालय, उसके अधीनस्थ कौन होते हैं, उच्च न्यायालय। पूरे भारत में एक न्यायालय है क्या, उच्चतम न्यायालय। प्रत्येक प्रदेश में क्या है, उच्च न्यायालय है, जैसे प्रदेश है आपके भारत में उसमें सब में उच्च न्यायालय है, और हर जिले में क्या है, जिला न्यायालय है, ठीक है ना। अब जिला न्यायालय के अधीनस्थ जो है वो सिविल न्यायालय है, वरिष्ठ क्रम के है।
अतिरिक्त जो है सिविल जज जो है उसके बाद सिविल जज जो है कनिष्ठ है, अतिरिक्त जो है वो सिविल जज है। तो अतिरिक्त सिविल जज जो है सबसे लोएस्ट, ठीक ना। सर्वप्रथम आप ये देखेंगे कि विषय वस्तु से संबंधित न्यायालय सक्षम है कि नहीं है, उसके बाद तब न्यूनतम श्रेणी में आप जाएंगे, तभी जो है वो प्रॉपर आपकी कोर्ट होगी और वहां आप सूट दाखिल कर सकते हैं, करना चाहिए आपको। ये आपका जो है ये सामान्य सिद्धांत जो है प्रदान करता है आपका सेक्शन 15 आपका CPC, ठीक है ना। तो ये आपका ये सामान्य सिद्धांत है, ठीक है ना, न्यूनतम श्रेणी, ठीक है ना। उसका कारण उद्देश्य यह है कि अगर कोई न्यूनतम श्रेणी का न्यायालय है और सूट सुनने के लिए सक्षम है तो सूट वही फाइल करना चाहिए, क्योंकि जो और कोर्टें हैं उनको और भी काम रहता है, तो ऐसे सारे मुकदमे जब एक ही कोर्ट में चले जाएंगे तो वहां जो है वादों की जो है बाढ़ आ जाएगी और कोई कार्रवाई कार्य से नहीं हो पाएगी। इसलिए जो है न्यूनतम श्रेणी का जो सक्षम न्यायालय है वहीं आप सूट संस्थित करेंगे, ठीक है ना। ये जो है इसी उद्देश्य से ये सेक्शन बनाया गया है। कोई भी सेक्शन बनाने का एक उद्देश्य अवश्य होता है, इस उद्देश्य पीछे यही इसका है, इस सेक्शन पीछे उद्देश्य यही है कि मुकदमों को जो है वो जो है इधर उधर किया जाए, न्यायालयों में उसका जो है बंटवारा हो जाए, ठीक है ना, और उसके आधार पर जो है मुकदमे का विचार हो जाए आसानी से, ठीक ना। एक ही कोर्ट में सारे मुकदमे तरह तरह के मुकदमे हो जाएंगे तो स्थित हो जाएगा, गवर्न हो जाएगा। जिला न्यायालय को पूरा क्षेत्राधिकार होता है पूरे जिले का, चाहे किसी भी तरह का मुकदमा वो सुन सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो न्यूनतम श्रेणी का न्यायालय हो वहीं से सूट जो है आप फाइल करेंगे, शुरुआत वहीं से सूट की होती है, ठीक ना। आपका सेक्शन 15 कॉन्सेप्ट क्लियर सिंपल सा है, और ये सामान्य इसका एक सिद्धांत है, और इस आधार पर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर न होने में कोई दिक्कत नहीं है, एक सामान्य सिद्धांत है। और बसते की आवाज करते रहना चाहिए, जो न्यायालय होना चाहिए वो न्यूनतम श्रेणी का होना चाहिए और सक्षम होना चाहिए, ठीक है ना। ये दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, न्यूनतम श्रेणी और सक्षम होना चाहिए, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है सामान्य सिद्धांत। अब बात आती है कि और स्थावर संपत्ति के अचल संपत्ति के संबंध में बात, ठीक है ना। ये स्थावर संपत्ति के संदर्भ में बात जो है वो सेक्शन आपका 16, 17 और 18 ये कवर करते हैं, ठीक है ना। अस्थावर संपत्ति के संदर्भ में सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18 कवर करते हैं, ठीक ना। और जंगम, जंगम मतलब क्या होता है, जंगम मतलब चल संपत्ति, चल संपत्ति के संदर्भ में अगर बार आपको दाखिल करना है वो कहाँ कवर होगा, CPC में सेक्शन 19, ठीक है ना। कौन सा सेक्शन, सेक्शन 19। और अन्य प्रकार के जो बात होते हैं, अन्य प्रकार के बात उसको हम डिटेल बताएंगे, अन्य प्रकार के जो बात होते हैं वो सेक्शन 20, ठीक ना 20। और ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मतलब है कि बाद के स्थान के संदर्भ में जो ऑब्जेक्शन होगा वो 21 है सेक्शन, ठीक है ना। ये कि कोई सूट जो है प्रॉपर प्लेस पर सूट फाइल किया गया है, प्रॉपर कोर्ट में सूट फाइल किया गया है नहीं किया गया है, इसके ऑब्जेक्शन के संदर्भ में जो सेक्शन आपको बढ़ता है CPC में वो है 21, ठीक है ना। इस तरह से 15, 16, 17, 18, 19, 21 ये आप हैं प्लेस का स्विंग कवर करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सेक्शन 16 क्या है, ठीक है ना। सेक्शन 16, ठीक है, सेक्शन 16 ये है स्थावर संपत्ति के संदर्भ में है। चलिए अब ये क्या है तो हम बताते हैं आपको,
किसके संदर्भ में बात दाखिल किया जाएगा। अब सेक्शन 16, बाद को वहां दाखिल किया जाएगा, बाद को वहां संस्थित किया जाएगा जहां विषय वस्तु स्थित है, विषय वस्तु जहां स्थित है, जहां स्थित है, ठीक है। विवादित विषय वस्तु जहां स्थित है वहां जो है बाद संस्थित किया जाएगा। वो कौन से बाद हैं कि जो बाद विषय वस्तु जहां स्थित है वहां दाखिल किया जाएगा, उन बादों का एक प्रकार दिया गया है, एक पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। नंबर एक, ये भाटक या लाभों सहित या रहित अस्थावर अचल संपत्ति से रिकवरी की, ठीक ना, रिकवरी के लिए, रिकवरी जो शुरू है वो किससे, भाटक या लाभों सहित या रहित अचल संपत्ति के संदर्भ में, ठीक ना, ये आपका है। दूसरा, संपत्ति के विभाजन के लिए, किसी संपत्ति के विभाजन के लिए, विभाजन के लिए अगर कोई आप मुकदमा लाना चाहते हैं तो वो कहाँ दाखिल होगा, विषय वस्तु जहाँ आपकी स्थित है। विभाजन के लिए अगर कोई बात लाएंगे आप तो विषय वस्तु जहाँ स्थित है वहीं आप दाखिल करेंगे। तीसरा आपका है अस्थावर संपत्ति के बंधक की, अगर कोई अस्थावर संपत्ति संपत्ति जो है वो बंधक की संपत्ति है, ठीक ना, मतलब बंधक में जैसे एक बंधकी होता है, ठीक ना, बंधकी होता है, ये मान लीजिए आपकी संपत्ति है, ठीक है, और बंधक जो है सो ऋण जो है वो इसको दे दिया है, ठीक है ना। इसमें तीन तरह के सूद लाई करते हैं बंधक वाले मामले में, बंधक कर्ता ने जो है जो सो ऋण था वो बंधकी को दे दिया है, अब उसको मोचन का अधिकार है, मोचन का सूद जो है दाखिल करेंगे, कहाँ करेंगे, जहां विषय वस्तु स्थित है, मोचन का अधिकार का सूद दाखिल करेंगे, ठीक ना। मान लीजिए बंधक कर्ता ने वो देश और ऋण जो है भुगतान नहीं किया तो बंधकी ने जो है बंधक कर्ता के खिलाफ जो है मुकदमा करेगा कोर्ट में, और कोर्ट के द्वारा जो है उस संपत्ति में जो विक्रय कर देगा के लिए अनुमति आएगा जो बंधक के रूप में रखी गई है, या बंधकी जो है वो बंधक कर्ता को जो है पूर्वबंध का बात ला करके और मोचन के अधिकार को रोकवा देगा। तो इस तरह से तीन बात जो है आपके बंधक वाले संपत्ति मामले में आते हैं, जो कहां होंगे, जहां विषय वस्तु स्थित है, ठीक है ना। हाँ, और चौथा आपका है, चौथे में पॉइंट क्या है, अस्थावर संपत्ति में किसी अन्य अधिकार के हित की अवधारण कीजिए, अन्य हित, अन्य हित के अवधारण के लिए जो है वो कहां दाखिल होगा, जहां विषय वस्तु स्थित है, ठीक है ना। और पांचवा आपका है अस्थावर संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर के लिए। मान लीजिए कोई अस्थावर संपत्ति है उसके विरुद्ध जो है कोई दोष किया गया, ठीक है ना, वो क्या है, अस्थावर संपत्ति, ये अस्थावर माने अचल संपत्ति के विरुद्ध, ये माने प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है ना, इसके विरुद्ध, इसके विरुद्ध किया गया कार्य, इसके विरुद्ध प्रॉपर्टी के विरुद्ध जो है कोई दोष कार्य किया गया है किसी के द्वारा, ठीक है ना, उसके संदर्भ में प्रतिकर के लिए जो भी बात आप लाएंगे, कहां लाएंगे, जहां विषय वस्तु स्थित है, ठीक है ना। विषय वस्तु मतलब ये जमीन जहां आपकी स्थित है वहीं के स्थानीय न्यायालय में आप जो है वो मुकदमा दाखिल करेंगे, सिविल का मुकदमा दाखिल करेंगे। अब आपका बता बात आती है छठा, यह है कृत्रिम या कुर्की
के वस्तुता अधीन कोई भी जंगम संपत्ति है तो उसके रिकवरी के लिए जो सूट होगा, तो जहां विषय वस्तु प्राप्त है, जहां विषय वस्तु स्थित है, वहां सूट दाखिल किया जाए, ठीक ना। हाँ, अब बात आती है इसका एक परंतु है, परंतु यह है कि ऐसी संपत्ति पृथ्वी दोष के प्रकट के रूप में प्राप्त करने के लिए बाद जहां चाहा गया अंकुश, जहां चाहा गया अंकुश जो है, चाहा गया अंकुश उसके सोई आज्ञा अनुपर्तन के द्वारा रूप से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक ना। तो उस न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत अगर विषय वस्तु जो है आपकी स्थित है तो आप मुकदमा उन्हें दाखिल करेंगे, या प्रतिवादी जहां सामान्य रूप से रहता निवास करता है, कारोबार करता है, अभिलाभ प्राप्त करता है या कोई कार्य करता है, तो वहां संसिद्ध किया जा सकता है। जहां ये विषय वस्तु प्राप्त होगी उपस्थित है वहां किया जाता है, या प्रतिवादी, ठीक ना, प्रतिवादी जहां सामान्य रूप से उद्देश्य पूर्ण स्वेच्छा निवास करता है, कारोबार करता है, धंधा करता है या अभिलाष प्राप्त करता है, वहां जो है आप दाखिल कर सकते हैं, ठीक ना। ये आपका परंतु है, ठीक ना। अब बात आती है आपका सेक्शन 17 हो गया 17। ये स्थित है कि अगर बात का विषय वस्तु जो है वो कई न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ठीक ना, तो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए 17 आपका हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए सेक्शन 17, ठीक ना, ये का खा गा रा इनकी संयुक्त लोग हैं, ये संयुक्त परिवार के सदस्य हैं ये, और इनकी संपत्ति जो है वो कहाँ कहाँ है, दिल्ली में है, बड़े आदमी भाई, दिल्ली में है, लखनऊ में है, ठीक ना, और आपका फैजाबाद, ठीक ना, इनकी संपत्ति जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ठीक ना। अब इन लोगों के आपस में बंटवारे का मुकदमा दाखिल करना, ठीक है ना। अब इनकी जो संपत्तियां हैं दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है, फैजाबाद में भी है, तो सूट कहाँ दाखिल होगा, बंटवारे का जो सूट होगा वो कहाँ दाखिल होगा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में भी दाखिल होगा, लखनऊ में भी दाखिल होगा, फैजाबाद में दाखिल होगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए यह हो सकता है कि ये कहीं भी मुकदमा संसिद्ध कर सकते हैं, बंटवारा का जो मुकदमा है ये कहीं भी संसिद्ध कर सकते हैं, बशर्ते दिल्ली वाले संपत्ति का, मान लीजिए मकान है, ये भी मकान है और ये भी मकान है, इसकी कीमत मान लीजिए 1,00,000 रुपया है, 10,00,000 रुपया है, ठीक है ना, इसकी कीमत 20,00,000 रुपया है, ठीक है ना, इसकी कीमत 5,00,000 रुपया है, ठीक है ना। तो अब बंटवारे का जो मुकदमा दाखिल होगा तो ये जो इनका मूल्य है, मूल्यांकन है, ये सब कुछ जोड़ा जाएगा, और जोड़ने के बाद 20, 10, 20, 5, 35 लाख रुपया, कितना, 35 लाख, 35 लाख रुपये के मूल्यांकन का जुडिशन हमको जो है कोर्ट में, आप चाहे दिल्ली में बात संसद कर दें, चाहे लखनऊ में कर दें, चाहे फैजाबाद में कर दें, किसी भी जो है जुडिशन के नाले में आप मुकदमा दायर कर देंगे, दाखिल कर देंगे, और ये बंटवारे का मुकदमा जो है वो दाखिल हो जाएगा, और ये आदेश सभी पर लागू हो जाएगा, ठीक ना।
तो ये आपका है, वो जो कंप्लीट हो वो जुडिशन में सक्षम हो, उस नाले में आप दाखिल करेंगे जो कि 35 लाख का, ना कि अलग अलग, ठीक है ना। तो ये तीन दाखिल, तो इस तरह का जो न्यायालय होगा वो सक्षम न्यायालय माने जाएगा, तो वहाँ आप दाखिल कर सकते हो, ठीक। तो ये आपका सेक्शन 17 है, ठीक है ना। अब बात आपकी ये सेक्शन 17, ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। इसमें यह है कि जहां बात विभिन्न न्यायालय के अधिकारिता के भीतर स्थित है, अस्थावर संपत्ति में अंतोष की या ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए दोष के प्रतिक्रिया के उत्तर दिए किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा, स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत सम्मति का कोई भाग स्थित होगा। जबकि पूरा दावा जो है उस बात की विषय वस्तु के मूल के दृष्टिकोण से ऐसे न्यायालय में दाखिल किया जाएगा, ये पूरे राउंड का मांग करके जो है वो दाखिल किया जाएगा। इस तरह से हम आपको सेक्शन 15, सेक्शन 16 और 17 के बारे में हमने बताया, और नेक्स्ट सेशन में आपको 18, 19, 20, 21 के बारे में हम बताएंगे, ठीक ना। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त है।